Hello everyone, so how are you all? I hope you all are fine. Yes guys, so हमने last video में models का introduction पढ़ा था और can और may भी हमने complete किया था. So in this video we are going to learn should, ought to और could. So पहला जो है हम वो should सीखने जा रहे हैं. So should का पहला हिंदी क्या होता है? चाहिए. Should का पहला हिंदी क्या होता है? चाहिए. एक second guys. So should का पहला यूज क्या है गाइज, वो अब हम देखते हैं. इट इज यूज फॉर एडवाइस और सजेशन. इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी को सलाह देने के लिए और किसी को सुझाव देने के लिए. गाइज अब लग रहा हो कि एडवाइस और सजेशन में क्या फर्क होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस और सजेशन? सो लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एडवाइस और सजेशन क्या लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एडवाइस मतलब होता है अगर कोई आपसे बड़े हैं, आपसे उम्र में, आपसे पोस्ट में, रैंक में बड़े हैं, तो वो छोटे को एडवाइस देंगे. अगर वो बड़े हैं तो छोटे को वो एडवाइस देंगे. और छोटे हैं कोई आपसे, अपने बड़े से, मान के चलिए कोई छोटे हैं तो वो अपने बड़ों को सजेशन देंगे. क्या यही होता है? बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होता है. दोनों में कोई फर्क नहीं होता है. पहला चीज मैं बोला हूं कि इंग्लिश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता. अगर ऐसा होना ही रहता तो यू का मतलब भी तुम होता है और यू का मतलब भी आप होता है. ऐसा होता तो अलग अलग वर्ड बना दिया जाता, बट ऐसा नहीं है. दोनों सेम होता है, सिर्फ हिंदी में फर्क है. एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, सजेशन मतलब होता है सुझाव देना. अगर हमसे कोई बड़ा है, वो भटक रहा है, तो क्या उसको हम सलाह नहीं दे सकते हैं? क्या उसको हम सुझाव नहीं दे सकते हैं? सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, दोनों सेम होता है. एक मैं चीज बताना चाहूंगा, एडवाइस ADVICE रहेगा तो CE रहेगा तो वो सा का साउंड करेगा, वो वर्ब होता है. एडवाइस सा साउंड कर रहा है, एडवाइस. और ADVISE रहेगा, जा का साउंड करेगा, एडवाइज. एडवाइज और ये नाउन है. सो इसको हम कैसे यूज करेंगे? जस्ट लाइक आई हैव टू एडवाइस माय स्टूडेंट, आई हैव टू एडवाइस माय स्टूडेंट. तो यहां पे वर्ब की तरह मैंने उसको इस्तेमाल किया, एडवाइस माय स्टूडेंट. अब नाउन की तरह कैसे मैं उसका इस्तेमाल करूंगा? आई हैव टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस. यहाँ पे ना, ये नाउन है एडवाइस, इसलिए अ पीस ऑफ, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है. ठीक है, सो आई हैव टू गिव यू टू पीस ऑफ एडवाइस, दो सलाह देना है. आई हैव टू गिव यू थ्री पीस ऑफ एडवाइस, तीन सलाह देना. तो हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं. ठीक है, हाँ. अब इसका पहला यूज हमने जो सीखा, इट इज यूज फॉर एडवाइस, एडवाइस और सजेशन के लिए. किसी को हमको सलाह देना है, किसी को हमको सुझाव देना है. बोलते ना कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें समय पर उठना चाहिए, तुम्हें स्कूल लेट से नहीं जाना चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए सक्सेस पाने के लिए. तब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, तो शुड का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम. तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए. अब एग्जाम किसी का करीब है तो उसको हम सलाह देंगे ना कि भाई टाइम पर पढ़ो, इधर उधर मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें पढ़ना चाहिए टाइम पे. तो किसी को हम क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, तो शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट है, एज यू नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, एज यू नो दैट. एंड इंडिया हैज सरपास्ड चाइना. नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. So we are facing the big problem, the big issue, which is population. So just to control the population, I have written here, I have taken the help of should. As you know that we use should for advice and suggestion. So I am just suggesting, I am just advising the government that government should introduce two child policy. मैं सलाह दे रहा हूं अपनी सरकार को, हमारी सरकार को, कि population इतनी बढ़ते चली जा रही है, तो उसमें हम सलाह देंगे ना. We are the citizen of our country. We all have the rights. We all have the rights to speak anything because we have casted the vote. Okay. So हमको बनता है ना ही, हमारा राइट बनता है हमको सलाह देने का अपनी सरकार को. इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम सलाह नहीं देंगे क्या उनको? तो वही मैं बोल रहा हूं कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, दो बच्चों वाला पॉलिसी लागू करना चाहिए. कि मतलब कि हम हर एक फैमिली में, मतलब कि हर एक को सिर्फ दो ही बच्चा रखना चाहिए, क्योंकि जस्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. दैट्स वाई वी शुड अडॉप्ट, दैट्स वाई गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी. तो यहाँ पे सलाह दे रहे हैं हम कि सरकार को दो चाइल्ड पॉलिसी वाला जो कानून है वो लागू करना चाहिए.
नेक्स्ट यूज है इट शोज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. Should is also used for duty or obligation. Duty का मतलब होता है कर्तव्य और obligation का मतलब होता है दायित्व जो हमें करना चाहिए. देखिए, there is a difference between advice or duty. Advice हम दूसरों को देते हैं, और duty वो हमारे लिए भी होता है, कर्तव्य हमारे लिए भी होता है. मतलब ना, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या है हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है. हमें इस देश की सेवा करनी चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए. तो ये क्या है, हम इसको क्या कर्तव्य हुआ, तो ये उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिखा वी शुड हेल्प द पुअर. ठीक है, अब देखिए पुअर क्या है, एडजेक्टिव है. उसके पहले द लग गया आर्टिकल, तो वो पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है, पूरे गरीब समाज की बात की जा रही है. एडजेक्टिव के पहले द लगता है तो वो पूरी कम्युनिटी की बात करता है. जस्ट लाइक द ब्यूटी, मतलब कि जितने भी खूबसूरत लोग हैं उसकी बात कर रहा है, एडजेक्टिव लग गया तो. ठीक है, सो वही बोल रहे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. ऑब्वियसली इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, दोज हु आर नीडी पर्सन. ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, जब रेड लाइट है तो हमें रुक जाना चाहिए. ठीक है, सो ये क्या है, हमारा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए. नेक्स्ट यूज है पास्ट एक्शन. शुड हैव योर पास्ट एक्शन भी दिखाता है. उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो मैंने क्या लिखा, यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए था बट उसने पूछा नहीं. मतलब वन वॉज अलाउड, वन वॉज सपोज टू डू समथिंग बट ही डिडंट डू एनीथिंग. मतलब कि यहां पे इसको पूछ सकता था बट इसने पूछा नहीं. वही बोल रहे हैं यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए था ना, पर तुमने सवाल ये क्यों नहीं पूछा. ठीक है, अब जब क्लास में ले रहा था, कंडक्ट करके आया और वो पूछा सर मेरा एक डाउट रह गया था, तो वही बोल रहा हूं यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन क्लास ना, तुम्हें ये सवाल क्लास में पूछना चाहिए था, तुम पूछे क्यों नहीं. तो वही हम उसके लिए पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट एक्शन के इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब वो अलाउ था, उसको अनुमति थी कि वो पूछ सकता था पर उसने पूछा ही नहीं, ये बोल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ही शुड हैव प्रपोज्ड हर. वो उस तुम्हें उसे उसको प्रपोज करना चाहिए था, पर उसने प्रपोज किया नहीं. ठीक है, सो गाइस इट वाज ऑल अबाउट शुड. यस गाइस, सो हमने शुड पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं पढ़ने आउट टू. सो आउट टू मैंने बताया था, आउट टू क्या है, एक सेमी मॉडल है. सेमी मॉडल का मतलब होता है कि मैंने बताया था कि मॉडल कभी भी टू नहीं लेता है, तो यहां पे क्या है, टू ले रहा है. सो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी मॉडल. ठीक है, मतलब कि आधा मॉडल. अब आउट टू क्या कहता है, आउट टू कहता है इट इज यूज फॉर एडवाइस और सजेशन. ये भी इस्तेमाल किया जाता है किसी को सलाह और किसी को सुझाव देने के लिए. ठीक है ना, अब ये खास करके देखिए आउट टू का भी और शुड का भी यूज हमने सेम पढ़ा, बट वो फॉर्मल होता है. आउट टू होता है फॉर्मल, मतलब कि जिससे हमारा क्लोज रिलेशन नहीं है उसको हम सलाह देना चाहते हैं, तब हम उसके लिए आउट टू का इस्तेमाल करें तो वो बढ़िया होगा. ठीक है, जस्ट लाइक इट इज यूज फॉर एडवाइस और सजेशन के लिए, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ बिहार आउट टू सेंड टीचर्स फॉर ट्रेनिंग अब्रॉड. यहां पे मैंने टू नहीं लगाया क्योंकि अब्रॉड एडवर्ब होता है, उसके पहले टू लगेगा नहीं, नाउन नहीं है, नाउन के पहले हम टू लगाते हैं. मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पटना, पटना नाउन है उसके पहले इसलिए टू लग रहा है. ठीक है, सो याद रखिएगा अब्रॉड मतलब होता है विदेश और वो एडवर्ब होता है, तो उसके पहले टू नहीं लगता है अब्रॉड के पहले. अगर वहां से आ रहे हैं तो फ्रॉम लगेगा. ठीक है, सो वही बोल रहा हूं कि जो हमारा सरकार है, जो बिहार की सरकार है, क्या हमारा उससे क्लोज रिलेशन है, नहीं है, और थोड़ा बड़े पोस्ट पे भी है और उनको मैंने कुछ सलाह देना है, इसलिए हम वहां पे आउट टू का इस्तेमाल करेंगे. शुड का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतरीन होगा. सो मैं बोल रहा हूं कि जो सरकार है, जो बिहार की सरकार है, उन्हें टीचर्स को विदेश भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए. सो इन दैट केस दे कैन लर्न समथिंग, दे कैन अडॉप्ट, दे कैन गेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
abroad country and they can come to our country and they can implement. And as you can say, as you know that the quality, there will be a lot of improvement, because they, whatever the thing which we they will learn from there, so they can implement and they can teach in a well manner. So as you know, the condition of Delhi government school, like, it has been improved a lot. Like, most of the people, they want to get admission in government school. So the same thing our government should also do that thing. ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि हमारी सरकार को भेजना चाहिए टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश में. ठीक है, नेक्स्ट है एसपी ऑफ गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. फुल फॉर्म ऑफ एसपी इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. गया को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्राइम के खिलाफ. तो यहाँ पे क्या एसपी ऑफ गया, वो बड़े पोस्ट पे हैं, थोड़े अच्छे पोस्ट पे रैंक है उनका, और हमारा उनसे क्लोज रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम आउटपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि क्राइम जो है गया में बढ़ती जा रही है, उनको है जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गया में जो क्राइम बढ़ती जा रही है, इसलिए हम वहां पे आउटपुट का इस्तेमाल किए. अब नेक्स्ट है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिखाता है, दायित्व और कर्तव्य ये आउट टू दिखाता है. जस्ट लाइक वी आउट टू सर्व आवर नेशन, एज यू नो दैट नेशन, वी ऑल लिव इन कंट्री एंड वी ऑल हैव टू सर्व आवर नेशन बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव टू फुलफिल, विच वी हैव टू डू. सो वही बोल रहे हैं कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट. ओके, वी आउट टू क्लीन द रोड, हमें रोड साफ रखना चाहिए, अगर कोई गंदगी है कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए रोड पे, डस्टबिन में फेंकना चाहिए. सो वही हम बोले कि हमारा कर्तव्य होता है या हमारा दायित्व होता है कि हमें रोड साफ रखना चाहिए. नेक्स्ट है आप यूज पढ़ते हैं हम टू डिनोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब कि कोई हम गेस करते हैं, अभी अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बोलते नहीं है कि वो बड़ा तेज है, वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, तो ये क्या अभी वो बनेगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि कब बनेगा, फ्यूचर का गेस कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ, अरे वो रात भर पढ़ रहा है, वो एग्जाम में पास हो जाएगा, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, अरे वो दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है एकदम फील्ड में, वो बढ़िया क्रिकेटर बन जाएगा. तो मतलब क्या हम गेस करते हैं ना, अभी से फ्यूचर की गेस करते हैं, तो उसके लिए भी आउट टू का हम इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, He out to become an IAS officer. वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत तेज है, वो IAS officer बन जाएगा. देखिए हम अंदाजा लगाते हैं ना किसी के इंसान के हाव भाव, उसकी बिहेवियर से, उसके तरीका से पता कर लेते हैं कि वो क्या बन जाएगा, तो वही हम गेस कर रहे हैं. नेक्स्ट है she is good speaker, she out to become public speaker. वो बड़ा अच्छा बोलती है, जब भी बोलती है एकदम फ्लुएंट बोलती है, अच्छा बोलती, तो ही बोल रही है कि वो पब्लिक स्पीकर बन जाएगी, मतलब कि पब्लिक स्पीकर वही बोलते हैं जो बहुत सारे लोग के सामने जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं पब्लिक स्पीकर. ठीक है, दे गिव मोटिवेशन, दे गिव मेनी थिंग्स, दे आर लाइक प्रीचर्स. ओके, सो वही बोल रहे हैं कि वो बढ़िया स्पीकर है, वो पब्लिक स्पीकर बन जाएगी. सो ये क्या हम गेस कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट आउट टू, यू कैन सी एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट. यस गाइस, सो हमने शुड और आउट टू पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं पढ़ने कुड. सो कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है. कैन बताता है प्रेजेंट एबिलिटी, आई कैन डू दिस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मेरे में क्षमता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं. तो कुड क्या करता है, किसी की पास्ट की क्षमता बताता है कि वो कर सकता था, वो इंग्लिश बोल सकता था, अभी प्रेजेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है. वही बोल रहा, ही कुड गेट अ जॉब, वह एक जॉब पा सकता था, अभी प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है उसका, उसकी जो क्षमता थी पाने की, उसमें सारा ताकत था, काबिलियत थी, उसमें सब में था, वो पास्ट की बात कर रहा. ही शी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी, तो उसकी क्षमता वो पास्ट में थी, अब उसकी बात नहीं कर रहा है, अब वो प्रेजेंट उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो पास्ट की बात कर रहा है क्षमता की. अब है जो कुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, इट शोज पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह, मतलब होता है ना, एक होता है ना, थोड़ा सा ये काम कर दो ना, ऐसे बोलते हैं, प्लीज थोड़ा सा ये काम कर दो ना, प्लीज कर दो ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, मतलब कि विनम्र होते, थोड़ा नरम हो जा रहे हैं, थोड़ा एक लहजे में बोल रहे हैं कि ये काम कर दो ना, थोड़ा अदब से बोल रहे हैं, तो हम वहां पे कुड का इस्तेमाल करेंगे. किसी से काम निकलवाना है तो हम काम निकलवाने के बोलते ऐसे बोलेंगे, ए कर देना ये काम, कर देना, ऐसे कहीं बोलेंगे, ऐसे हम कभी नहीं बोलेंगे. अब ऑब्वियसली सी बात है, हमको काम निकलवाना तो बोले प्लीज कर दो ना ये काम, थोड़ा सा कर दो ना, प्लीज प्लीज, ऐसे हम करेंगे, प्लीज प्लीज करते, थोड़ा दब जाते हैं,
तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब बड़ा प्यास लगा हुआ है, मेरा भाई है बड़ा बदमाश है, अभी बोले भाई बदमाश है वो जाता नहीं है, उसको थोड़ा दब के ना बोले, उसको डांट के तो नहीं बोलेंगे एक गिलास पानी लाने, तो ही बोले कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो यहाँ पे दब के थोड़ा बोल रहे कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, ये कर रहे हैं कि एक गिलास पानी ला दो। Could you shut the door? अब डोर खुला हुआ, आवाज आ रही है या हवा चल रही होगी, तो अब मैं बैठा हूँ, मेरे को ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं है, तो वहां पे अब तो मेरे नहीं मन नहीं है, तो किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट से ही ना बोलेंगे, बोलेंगे ए डोर बंद कर दो, बंद कर दो, तो ऐसे कभी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे हम बोलेंगे Could you shut the door? Please, दरवाजा, क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे, क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे, तो यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब है कुड का फ्रेजल वर्ब भी यूज होता है, हमने कैन का पढ़ा था ना प्रेजेंट में, जिस लाइक मैं ये खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं ये पढ़े बगैर नहीं रह सकता हूँ, पास्ट प्रेजेंट में। अब ये पास्ट की बात करता है, कोई काम करे किए बगैर हम नहीं रह सकते थे, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस कुंड हेल्प प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। So, we couldn't help watching cartoon. हम पहले जब बच्चे थे तो बिना कार्टून देखे बिना नहीं रह सकते थे, ऑब्वियसली सी बात है, हम जब बच्चे थे बड़ा कार्टून देखते थे, बिना कार्टून देखे बगैर हम नहीं रह सकते थे, तो वही बोल रहा है हम कार्टून देखे बगैर नहीं रह सकते थे, पास की बात कर रहा है, ठीक है। He could not help playing PUBG. वह PUBG खेले बगैर नहीं रह सकता था। अब क्योंकि PUBG बैन हो गया तो इसलिए प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, वो पास की बात कर रहा है, तो पास की बता रहा है कि मतलब वो PUBG खेले बगैर नहीं रह सकता था। लास्ट यूज है पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन दिखाता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या है, इंडिया कुड हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता था, बट यहाँ पे पता चल गया कि उसने हराया नहीं, वो हरा सकता था, बोलते हैं ना अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया टीम है, मैच है, तो इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया, तो हम बोलते हैं ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता था यार, बट उसने हराया नहीं। यहाँ पे कंफर्मेशन हमको मिल गई कि वहां पे इंडिया उसको हरा सकता था पर उसने हराया नहीं, तो यही बात कर रहा है पास्ट एक्शन का। शी कुड हैव कम ऑन टाइम, बट टाइम पर आ सकती थी बट वो आई नहीं ना, तो उसको वही बोल रहे कि वह टाइम पर आ सकती थी, यहाँ पे ये हो रहा है। तो यार यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट कुड, सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन गाइस। Yes guys, so इस वीडियो में हमने should, out to और could पढ़ लिया। अगर guys आपने last वीडियो नहीं देखा है introduction of modals और can में, उसमें मैंने बताया है can और may, so मैं description में link add कर दूंगा, आप जाइए उसको, मैंने बड़ा अच्छे से explain किया, जाकर समझिए। Yes guys, so this was all about my side. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जस्ट कीप सपोर्टिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद एवरीवन।